पुलिस लाठीचार्ज में घायल हुए रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा की तबीयत अब ठीक हो गई है और वे अस्पताल से वापस अपने घर आ गए हैं। घर आने के बाद कुशवाहा ने ट्वीट कर शुभचिंतकों सहित सभी शुभकामनाओं को धन्यवाद दिया है। वहीं बिहार की नीतीश सरकार पर जमकर हमला भी बोला है। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में आज सोमवार को बिहार बंद भी किया गया, जिसमें महागठबंधन के कई दलों ने बंद का समर्थन किया और पिटाई के विरोध में सड़क पर उतर आए। कुशवाहा जैसे ही चोट से उभरे उन्होंने ताबड़तोड़ ट्वीट किए। कुशवाहा ने ट्वीट में लिखा है कि खुदा का शुक्र है अस्पताल से घर वापस आ गया। अस्पताल में भर्ती रहने के दौरान शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करने वाले सभी साथियों, दोस्तों, शुभचिंतकों, चिकित्सकों, चिकित्सक कर्मियों, नेताओं एवं आम जनों के प्रति आभार। हमला तो जानलेवा था, परंतु मारने वाले से बचाने वाले के हाथ लंबे होते हैं। अपने अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि हृदय से अपने उन साथियों का आभार जिन्होंने पुलिस की लाठी और मेरे बीच आकर अपने अपने सर फोड़वा लिए और मेरी जान बचा दी। शेष भगवान का आशीर्वाद और आप सभी की दुआएं काम आई। तीसरे ट्वीट में कुशवाहा ने एक कविता पोस्ट की और लिखा कि हमारा तो संकल्प है, कदम हमारा नहीं रुकेगा, हमला चाहे जितना हो, शिक्षा में सुधार करेंगे, करते रहेंगे। बादलों ने सिराज साजिश की, जहां मेरा घर है वहीं बारिश की। पलकों की जिद है बिजलियां गिराने की, तो हमारी भी जिद है आशियां वहीं पर बनाने की। बता दें कि शनिवार को रालोसपा ने बिहार की गिरती शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ जन आक्रोश मार्च निकाला और इसे लेकर रालोसपा प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के साथ काफी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता ने कारगिल चौक से राजभवन तक मार्च किया था। जब नेता कार्यकर्ता डाक बंगला चौराहा पहुंचे तो उनकी पुलिस से झड़प हो गई। अनियंत्रित हो रहे कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी की, जिसमें रालोसपा प्रमुख को चोट लग गई, जिसके बाद उन्हें पीएमसीएच में भर्ती कराया गया। से बिफोर प्रिंट की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।